हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशुमन है और आप अक्सर सोशल इश्यूज पर मेरी पोएट्रीज सुनते होंगे। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पोएट्री लेके आया हूँ। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़का हो या लड़की हो, आप इसको एंड तक सुनो और समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने लैपटॉप पे लिखा है, आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि सुना है कि एक लड़का पिट गया भरे बाजार में, कोई बचाने नहीं आया उसे, भीड़ थी हजार में। लड़के ही गलत होते हैं साहब, क्योंकि यही खबर बिकती है अखबार में। उन्हें लगता है कि आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है यार लड़का होना भी संसार में। माना कि औरतों पर जुल्म ज्यादा होता है, लेकिन लड़के भी पीड़ित हैं, वो भी दर्द के हिस्से हैं। माना कि कुछ लड़के बहुत गलत करते हैं, लेकिन शरीफ लड़कों के भी किस्से हैं। विमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है, लेकिन मेन एम्पावरमेंट पर भी बात करो। बैलेंस रखना है ना सोसाइटी को, तो फिर कानून बराबर कर लाओ और इक्वल राइट्स के साथ चलो। रेप के खिलाफ हम भी आवाज उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, हाथों पर बैंडेज काले लग जाते हैं, लेकिन किसी लड़के के साथ गलत होता है तो फिर क्यों समाज के मुंह पर ताले लग जाते हैं? सबको पता है कि कुछ लड़कियां अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती हैं, थोड़े क्लाउट के लिए, थोड़े शाउट आउट के लिए और थोड़े से क्राउड के लिए भरे बाजार में किसी मासूम के खिलाफ बवाल करती हैं। मामला कुछ भी हो, लेकिन लड़का है तो सोसाइटी सबसे पहले उसके चरित्र पर सवाल करती है। गलत के खिलाफ बोलो, पूरे जेंडर को मत करो ब्लेम। मेरे लिए नारी सशक्तिकरण है फेमिनिज्म, और अगर आपके लिए किसी बेकसूर लड़के को पीटना है फेमिनिज्म, तो आई एम सो सॉरी, वी आर नॉट सेम एंड डोंट प्ले दिस डर्टी गेम। लड़कियां कंधे से कंधा मिलाओ यार, हम साथ देंगे, हम गिराएंगे नहीं, उल्टा तुम फिसलोगी तो हम हाथ देंगे। अब तो हौसले बुलंद है, आवाज लाउड है, ओलंपिक भी लड़कियां जीत के ला रही हैं, पूरे देश को प्राउड है। हमें भी प्रॉब्लम औरतों पर होने वाले अत्याचार वाली गंदगी से है, और हमें प्रॉब्लम कुछ स्यूडो फेमिनिज्म वालियों की हरमजदगी से है। थोड़े शरारती हैं, लेकिन दिल से बुरा नहीं सोचते, हर लड़के सिर्फ जिस्म नहीं नोचते, हम मन से सच्चे हैं। हे लड़कियों, हमें भी समझो यार, हम लड़के हैं और अच्छे हैं। फिर से रिपीट करता हूं कि हे लड़कियों, हमें भी समझो यार, हम लड़के हैं और अच्छे हैं। फिर से रिपीट करता हूं कि हम लड़के हैं और अच्छे हैं। फिर से रिपीट करता हूं, हम लड़के हैं और अच्छे हैं। दोस्तों, लखनऊ के उस ट्रैफिक सिग्नल पर जो कुछ भी हुआ, पूरे देश ने देखा और सबको बुरा लगा। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स आते हैं जिन्हें देख के बहुत डर सा लगता है, और मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूं कि किसे किसने हक दिया है किसी को फिजिकली इतना असॉल्ट करने का? और हमारे देश में कुछ ऐसा लॉ आना चाहिए, इक्वल का लॉ, जिसमें लड़का लड़की दोनों इक्वल रहें, कोई किसी के साथ कुछ गलत ना कर सके। इस तरीके से मन में एक डर रहे। कई बार मैं ये सोच के डरता हूं कि मैं एक लड़का हूं, कल को किसी चौराहे पे, किसी पब्लिक प्लेस पे कोई आर्ग्यूमेंट अगर हो जाता है किसी लड़की से और मुझे चार चांटे लगा देगी, मैं क्या कर सकता हूं वहां? मैं वहां कुछ नहीं कर सकता, मैं एक लड़का हूं, मेरे घर में ये संस्कार नहीं मिला कि मैं किसी लड़की पे हाथ उठाऊं, और अगर कहीं मैंने अपना आपा खो के ये गलती से भी कर दी तो वहां पब्लिक मुझे पीटेगी। तो मैं मेरे राइट्स के लिए, मैं मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ऐसे सिचुएशन में क्या करूंगा, या मेरे साथ इस देश का कोई भी लड़का क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। इसलिए एक ऐसा लॉ आना चाहिए जिसमें सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, जिसमें कोई किसी को फिजिकली असॉल्ट नहीं कर सकता, ये लॉ आना चाहिए। आई होप आपको ये पोएट्री अच्छी लगी। अगर आपको ये पोएट्री अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा सोशल अवेयरनेस के लिए प्लीज शेयर करो। थैंक यू। और हाँ, एक और बात, हम लड़के हैं और हम अच्छे हैं। थैंक यू।